अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के 90,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं भारत की बात करें तो पिछले 3 दिनों में कोरोना वायरस के लगातार कई मामले सामने आए हैं। पेटीएम में काम करने वाले एक कर्मचारी के इस वायरस से संक्रमण की खबर मिली है, जिसके बाद पेटीएम ऑफिस को भी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक दुबई में एक भारतीय लड़की में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक दुबई के इंडियन हाई स्कूल की एक लड़की में कोरोना की जांच पॉजिटिव आई है। लड़की की उम्र 16 साल है। ये संक्रमण उसे उसके पिता से हुआ है। बता दें कि लड़की के पिता हाल ही में विदेश दौरा करके लौटे थे। वहीं छात्रा को सबसे अलग रखकर उसका इलाज भी किया जा रहा है। साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। गाजियाबाद में कोरोना वायरस का एक नया पॉजिटिव मामला सामने आया है। कोरोना वायरस को लेकर गया एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं दिल्ली में भी 31 मार्च तक 5वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही चीन से 452 जहाज ऐसे हैं जिनमें सवार चालक दल यात्रियों को भारतीय बंदरगाहों पर उतरने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। कोरोना वायरस के मद्देनजर 7 मार्च से जनता के लिए दिल्ली का मुगल गार्डन बंद कर दिया जाएगा। चीन से शुरू हुई ये महामारी पर संयुक्त राष्ट्र संघ और WHO बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और लोगों को इससे बचने की टिप्स भी दे रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना वायरस फैलता ही जा रहा है। कोरोना के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बेल्जियम दौरा भी टाल दिया है। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया है। पीएम मोदी को भारत यूरोपियन यूनियन सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स जाना था। भारत यूरोपियन यूनियन सम्मेलन 13 मार्च को होना था, लेकिन इसे भी टाल दिया गया है। अब सम्मेलन की नई तारीख तय होगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है और इससे बचने के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।